हाँ जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सियाग तो फिर से स्वागत करूं भाई आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सियाग डेयरी फार्म जुलाना पे। तो भाई आज फिर पहुंचे थे अपना वीडियो कवर करन, क्योंकि भाई जैसी डिमांड रहेगी वैसी फिर अपन कवरेज भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र डेयरी फार्म ब्राह्मण वास वालों की डेयरी है भाई, पूरी जानकारी भाई साहब तो ले लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर वो अच्छे तरीके से बताऊंगे। तो राम राम। राम राम। तो ठीक हो? ठीक ठाक। अपने व्यूअर्स ने राम राम। राम राम भाई, सारे भाई आप जोड़ के राम राम। अच्छा, तो फिर आज एक बार अपना एड्रेस बता दो। अपना नरेंद्र डेयरी फार्म जुलाना। जुलाना। और मोबाइल नंबर 9818 74850। घना वायरल हो गया नंबर तो। वायरल तो वही। तो भाई एक वीडियो थी जो पिछली काफी लंबे टाइम तो भाई लाखों व्यूज आए और अच्छा प्यार दिया पब्लिक ने और अच्छा पशुधन सेल भी होकर के गया, तो नंबर से ज्यादा परेशान भी हो गए थे, क्योंकि फोन कॉल से ऐसे ज्यादा हो जाए हैं कि भाई जिसमें बेकाम की हो जाए लगभग। घने तो बिना काम के भी कर रहे हैं, काम वाले भी कर रहे हैं, उसमें फिर घने हो जाए। काम वाले भी कर रहे हैं, बिना काम वाले भी कर रहे हैं। तो आज फिर कैसा पशुधन अपनी वीडियो के अंदर होगा दिखावांगे, जो सारा आ गया होगा। अच्छा, सारा आ गया होगा। फिर पिछली वीडियो की डाल तेल कहा हटा दियो, फिर अच्छा पशुधन का जैसा होगा वैसा ही दिखेगा माल, वैसा दिखेगा। तो भाई वीडियो में बने रहियो लगातार, बढ़िया पशुधन लेकर के आवा है और भाई जायज कीमत कर दियो, क्योंकि बेरा है दो पीछे घाट बचा लियो पर व्यूअर्स खातर। अब सारी अनघाटे बचावा, 2000-4000 का काम अपना और फालतू का काम। मान गया अपनी आपकी बात बिल्कुल जायज है, बढ़िया है। देखो ऐसा कर लियो, आपकी लागत का आपकी मेहनत का आपने मिल जाए, मेहनत का लगा के 2000-4000 अपना उसके अंदर नफा जोड़ के वो ही बताऊंगा। बताइयो, क्योंकि फिर आजकल तेजी का भी बहुत हाँ, तेजी है, पशु ज्यादा तेज हो रही है, ज्यादा तेज है। तो भाई वीडियो बने रही हो लगातार, तो आप कवरेज करांगे और अच्छा अच्छा पशुधन आज वीडियो दिखावा आप तक। तो इस जोटी की जानकारी दे एक बार, किस ब्यात में है, कैसा है, के लैक्टेशन में है, जो भी सच्चाई बताइए। ये तीसरा ब्यात की जोटी है राहुल। अच्छा, तीसरा ब्यात में, तीसरा 14 किलो दूध है फिलहाल, तैयार है 14 किलो मोकअप तैयार। तो काफी हद तक जो एक अच्छी लेंथ का जो पशुधन है, एक हड्डी और जो जेड ब्लैक पशुधन है बिल्कुल, तो 14 किलो दूध मोकअप तैयार। मोकअप तैयार 14 किलो है। अच्छा, कितने दिन की सुई होगी अभी? ब्याई होगी या 10-12 दिन की? 10-12 दिन बच्चा दिए होगी इसको। तो लगभग भाई ताजा सुआ पशु जो आज आपके समक्ष वीडियो रखी। तो रही इसकी मोल भाव की बात, तो मोल भाव क्या रखो इसका? जमा जायज कीमत इसकी के कीमत 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये 14 किलो दूध। 14 किलो दूध है और इब दूध बढ़न लाग रही रोज की, 2-3 किलो और भी बढ़ा, 16-17 किलो दूध का। तो मेला भी ना लगी हुई? ना मेला नहीं लगी होगी। तो 1,25,000 रुपया में 14 किलो दूध काटा करके हाँ, काटा करके चाहे लोगे बाट ले आओगे उस पर तोल लेंगे। अच्छा, उस पर तोल लेंगे हाँ। तो देखे भाई काफी अच्छा पशुधन, नीचे धार पुसाव कैसा? धार पुसाव बहुत बढ़िया, नरम धार है, बढ़िया मोटी चुवाई है। अच्छा हाँ। तो इसके बाद जो अपना अगला पशुधन था इसकी जानकारी देखिए, तो लंबी वो निकाह बहुत ज्यादा, लंबाई ज्यादा है, कद थोड़ा कम है इसके, कम है पर हालांकि मेरे को देखो लेंथ बहुत गजब की लगी इसकी, लंबाई लंबाई है काफी हद तक लाजवाब है और की बहुत गनी बढ़िया है। ऑर्डर भी वो चकोर नहीं का अगर हाँ, चकोर पक्का हाँ, पक्का लोटा है, ठुका ठुका हाँ, ठुका ठुका टाइट ऑर्डर। तो कितना दूध तैयार है भाई इसके नीचे? इसमें 13 किलो दूध है, 4-5 दिन की ब्याई है या 4-5 दिन की हाँ। तो देखिए भाई ये देख ले बिल्कुल कच्चे दांत है, बदो कितना दूध तैयार है? 13 किलो। 13 किलो दूध तैयार काटा पे? काटा का। अच्छा, तो काटा का दूध 13 किलो मौके पे तैयार है। तो कितनी उम्मीद मानो? 15 की तो माना है, 15 किलो की। तो आज जब 4-5 दिन की ब्याई हाँ, 13-12 आज 13 किलो इसमें जमा, दोनों टाइम में ठंडा मापन का हो रहा है बिल्कुल। देखो 5-4 दिन का ब्याह पशु 13 किलो बना ले है ना, थोड़ा कोने थोड़ा कोने होगा, तो अभी आप भी समझो और देखनी भी समझेंगे। तो रही इसकी मोल भाव की बात, इसका जमा जायज कीमत 1,12,000 रुपये। 1,12,000 रुपये 15 किलो दूध। 15 किलो दूध 1,12,000। 1,12,000 फ्री दिखे आपके नगीने तो ही आए आपके बात सही। फिर वो बड़ी छोटी थी, बड़े बाल आ गएंगे, छोटे लगेंगे बिल्कुल बिल्कुल है। तो अच्छा पशुधन दिखा अपन के देखना, अपन 2-4 हज़ार रुपये नफा जोड़ के इनके बाप बता रहे क्या, और कोई बड़ी बात ना बिल्कुल। देखो बाकी वो पशुधन था वो ऊंची दाम का था, वो ऊंची दाम, और इसके बाद ये कम दाम, वो ज्यादा रेट में महंगे आ रहे हैं, वो महंगे बेचने पड़ेंगे। ये देखे ना आपके 1,25 में 15 किलो, फिर एक और पशुधन है वो तो 17 किलो था, 1,25 में 17 किलो था, आज 14 किलो है इसमें, आज 14 किलो है, 2-3 किलो की और उम्मीद मानना इसकी बढ़ने की। और फिर 1,12 में सीधा, मतलब 1,12 में 15 किलो की वाह 13 किलो मौका है उसमें, खूब बरसात सी कर दिया था, दूध की भी रुपया की भी मतलब जायज कीमत सब की। इस वीडियो तो बने रही हो क्योंकि एक अच्छा पशुधन की वीडियो कवरेज आज अपने होगी। तो इसकी जानकारी दे भाई साहब एक बार, या तीसरे ब्यात की जोटी है? अच्छा, तीसरे ब्यात की हाँ। तो ये देखें भाई काफी हद तक जो सिंगार कद पुट्ठा लोटी थन सारा हाइट लेंथ काफी हद तक जो मजेदार है, उस साइड लेकर के जाएं भाई इसको चला करके दिखाएं ताकि पता लगे।
तो इसकी जानकारी दो, कब बच्चा दे दिया या नहीं दिया है? ये क्या? कल ब्याई थी। अच्छा अच्छा, सुबह खीस से खाली करी है ये। सुबह गोले से खाली हो चुकी है, सुबह खाली करी। ये देखें भाई, काफी हद तक जो ठहराव है पशु के अंदर भाई चलने का तौर तरीका है, और जो काफी हद तक लाजवाब है। और हाइट लेंथ की बात करें तो भाई एक हड्डी वापा कह सका भाई से, इसमें मुर्रा है प्योर, क्योंकि जेड ब्लैक टेल में है और एक हड्डी ऊपर है, एक हड्डी वैसे जमा। तो काफी हद तक अच्छी हाइट लेंथ का शानदार पशुधन। तो ये देखें बाहर बांध दे, कोई नहीं भाई, इसको बाहर बांध दे। तो अब इसकी रेट की बात आई, तो रेट क्या रखोगे इसका? इसके 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। तो दूध की उम्मीद कितनी मानो? दूध की उम्मीद मानना 17-18 लीटर की भाई। 17-18 लीटर की। हाँ। गोले तो खाली होते, बन बहुत बढ़िया रहा पशु, बढ़िया बन रही, बढ़िया दूध काटेगी, फिट क्वालिटी बहुत बढ़िया। तो धार पोसाव कैसा निकलेगा? धार पोसाव बहुत बढ़िया, एक नंबर का। अच्छा। हाँ। तो ये देखें भाई, 1,50,000 रुपए कीमत मांगी है, काफी अच्छी हाइट लेंथ का जो पशुधन था वो आपके अंदर दिखाने की कोशिश की भाई। तो इसके बाद अपना अगला पशुधन कैसा रहेगा? ये आ गया भाई हाथी। हाथी आ गया, ये देखें भाई, बाकी ये देखें भाई, काफी हद तक जो अच्छी हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा, कई भाई बोलते हैं कि भाई अच्छा पशुधन लंबाई का लेंथ का आर्डर का, तो सारी ख्वाहिश आज इस जोटी ने पूरी कर दी है भाई। ये देखें भाई, काफी हद तक अच्छी हाइट लेंथ जो होनी चाहिए भाई वही जोटी के अंदर दिखाई दे रही होगी आपको। तो इसकी क्या कुछ जानकारी एक बार देंगे जरा? यह दूसरे ब्याह की है। अच्छा, दूसरे जमा, दूसरे ब्याह होगी। पहले ब्याह में 18 किलो दूध का, पहले ब्याह में 18 किलो दूध है। हाँ। घना हो जाए 18 किलो, घना या फिर या भी तो घनी है या छोटी है, या भी छोटी को ना फिर 18 किलो का, 18 किलो छोटी छोटी बताऊ, ये तो अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिये हाथी भी दूध भरा भरा जोटी नहीं काट देंगी तो कुछ काट देंगे, कितनी भरा है। तो देखो हाथी का ना, हाथी का तो नीचे तो पता लगा है पशु का, नीचे ही 10 दिन बैठ के रहे रेंज के, 10 दिन बच्चा देने वाला विशेष है। हाइट देख काफी लेंथ जो देख। एक अच्छी हाइट लेंथ है, बहुत अच्छी हाइट लेंथ है। देखो जो पशु में कमी होगी तो कमी भी बताने की कोशिश करेंगे, बाकी हाइट लेंथ में पशु में कहीं भी चूक नहीं है, और जो नीचे से अडर क्वालिटी अभी से जो है वो काफी हद तक लाजवाब है। तो रही इसकी दाम की बात, तो दाम का क्या करोगे इसका? दाम भाई इसका आज का दाम है 2,90,000 रुपये। 2,90,000 रुपये कहती है, सारा पिटारा खोल दिया आज, डेढ़ डेढ़ फिर 2,90 आज पशु ऐसे हैं। तो भाई काफी हद तक अच्छा हाइट लेंथ का पशुधन है। तो इबकी बार उम्मीद कितनी मानो इसका ब्याह? उम्मीद इबकार था इसकी, हम तो 24-25 किलो ही मानना, इतना तो ना बढ़िया करते दूसरा ब्याह, ना बढ़े 20 दे देगी 21 दे देगी, आने वाले 20+ का पशुधन अपना है। तो देखे भाई काफी हद तक अच्छी हाइट लेंथ का पशुधन, बांध दो, बिल्कुल बांध दो भाई जी। तो बाकी तो देखो पब्लिक ने तय करना है, देखिए एक बार, बिल्कुल देख ऊंचाई देख, परली साइड खड़ा हो दिखाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल आप उस साइड खड़े हो भाई, ये दे भाई दूर कर ले हूं भाई मैं, ताकि आपको ये ना लगे ये, देख भाई गोड्डे मोड़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ले भाई स्पष्ट दिखाई दे, बिल्कुल सामने है, हाइट देख कितनी, बिल्कुल 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 वो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2,90,000 रुपये, 2,90,000 रुपये ऑर्डर क्वालिटी अभी से पहले बना रखी है भाई, बहुत शांत स्वभाव जोटी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो श्रृंगार है सब कुछ जो जोटी के अंदर कूट कूट के रखा है। तो 2,90,000 रुपये प्राइस। तो इसके बाद अगली भैंस, अगली ले गया भाई, इसके बाद अपना ये जो बड़ा पशुधन है थोड़ी ही चौथा ब्यात में होगी शायद, तीसरा चौथे ब्यात की है अभी, चौथा लगा ले तू। तो हाइट लेंथ है इसकी भी अच्छी है, फिर मालिक तो तीसरे की, फिर अपन चौथा मायने गई थी, जवानी है, जवानी सुबह खींच तो खाली हुई है, सुबह खींच तो खाली हुई है। तो ये पता लगा सुबह नहीं भाई, शाम ने खाली हुई थी, शाम ने सुबह, हाँ सुबह कितना निकाला? सुबह 5 किलो दूध काटे, 5 किलो। हाँ लगता तो कौन की चोले ने तू, ईब भी काटेगी नहीं, ईब भी नहीं काटेगी। तो देखो भाई कभी कटर दिखाई ना दिया करता, पर लगभग निकल जाए। तो दाम की क्या रहेगी इसकी? दाम इसके 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये। तो 1,25,000 रुपये कितनी उम्मीद मानो इसकी दूध की? उम्मीद इसकी मानना 14-15 लीटर, 14-15 किलो की। हाँ। तो देखो 10 किलो तो स्टार्टिंग हुई इसकी। हाँ, 10 से स्टार्टिंग है इसकी, 10 से स्टार्टिंग। हाँ। 14-15 दे देगी, दे देगी इतना तो आराम से देगी। जब 1,25,25 में मतलब आज 15-15 किलो, 15-15, 16-16 किलो की ले जाओ, चले खुला जो भाई पशुधन जो आपके समक्ष रखा, सबसे पसंदीदा जोटी भाई मेरी जो आज की वीडियो के अंदर है ये जोटी है भाई, काफी हद तक अच्छी हाइट लेंथ और जो पशुधन था भाई वो आज आपके समक्ष रखा। ठीक, माने जाने वाली मीनी जोटी शायद फर्स्ट टाइमर है, प्योर असली मीनी, जो प्योर गोला है मीनी का, वो दोनों सिंग
तले हैं। बिल्कुल फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर है। अच्छा कितना दिन अभी बाकी है बच्चा? अभी तो यार 15 दिन बाकी है इसके। अच्छा 15 दिन बाकी है। अभी गाड़ी में शायद चल करके ही आई है। हाँ बस आई है यार, जमा करती उतरी है ही, मैंने भी देखी थी। तो ये देखिए भाई काफी हद तक अच्छा पशु धनी, मतलब 15 दिन काची है। थोड़ा बहुत चला करके दिखा दे बाकी दोनों सिंगल। बहुत कच्ची जोटी है वो, क्या करें की बिल्कुल। चार दांत में मिलेगी या दो दांत में? चौथे दांत तोड़ ली। हाँ चौथे दांत तोड़ दिए। हाँ तो अच्छी ब्रीड लाइन की होगी, अगर कुछ जानकारी तो ब्रीड लाइन के ऊपर भी बताएं। जानकारी तो इसकी माँ का है, 23 किलो का रिकॉर्ड है। 23 किलो का। हाँ तो अभी इसका मोल भाव? इसका मोल बनी कर दे रहा हूँ। मोल बनी कर दे रहा हूँ। अच्छा तो फिर भी अगर कोई पशुपालक लेना चाहो, मीनी जोड़ लेना चाहो तो इसका थोड़ा रुक के मोल कराएंगे। अच्छा, बाकी कांटेक्ट तो कर लें आपसे? कांटेक्ट कर लें। चलो भाई कांटेक्ट कर लें। अगर किसी भाई ने मीनी जोटी अभी फिलहाल के दामों में चाहिए है तो इसका रेट है जो वीडियो के अंदर नहीं बता रहे, कॉल पर जरूर संपर्क कर लें। अगर देने के इच्छुक हुए तो जरूर संपर्क करें। तो आगे वीडियो से लगातार बने रहे। तो भाई आज आपके समक्ष वीडियो रखी और जिसमें काफ़ी हद तक अच्छा पशुधन है, अच्छे नगीने आज आप तक दिखाने की कोशिश रही अपनी, और लगभग अच्छे भाव के, अच्छे जायज़ कीमत के पशुधन लगे भाई, क्योंकि आज के बाजार में देखते हुए दूध तैयार करी हुई जोटी 25-25 में दे दिया। हाँ, तो एक लगभग 25 में, 12 में भी, 12 में भी 13-14 किलो दूध तैयार। हाँ, तो देखो भाई काफ़ी हद तक अच्छा अच्छा पशुधन दिखाया भाई, और जो पसंदीदा जोटी रही वीडियो के अंदर भाई वो भी है, जरूर दिखावांगे दोबारा फिर इसने ऐड कराया वीडियो। ये और देख जो टिया भी न्यू है। बिल्कुल ना, ये भी अच्छी हाइट लेंथ की, और जो पीठ उठा है कच्चा पण है बजू के अंदर कच्चा, हालांकि है तीसरे रही है लेकिन दूसरे भर की क्वालिटी ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही दुलार देते रहो, ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूंगा भाई आपके समक्ष। और लगभग क्वेश्चन रहते हैं भाई कि न्यूट्री डाइट कैसा खनिज मिश्रण है, तो भाई बार बार जब पशु रिपीट हुआ है तो भाई परेशानी पशुपालक को जरूर हुआ है, तो आप न्यूट्री डाइट जरूर खिलाओ, क्योंकि ये एक ऐसा खनिज मिश्रण है भाई जिससे रिपीट की समस्या, दूध की कमी हो जाए उसको पूर्ति करे है, और ग्रोथ है जो शारीरिक रूप से भाई इस तरह की जोटी तैयार करेगा भाई न्यूट्री डाइट। तो आप भी न्यूट्री डाइट खिलाओ, यो आपने मेडिकल स्टोर पर कहीं भी, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर कहीं से भी ऑर्डर कर सको इसने। तो इसी के साथ भाई राम राम सारे भैया ने, नमस्कार है, सत श्री अकाल है। राम राम भाई सारे दर्शकों।